बुद्धिमत्ता, सुंदर भोजन, ये हजारों जन्म में वही करते आ रहे हैं। ये कब तक करते चले जाओगे? और लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, करोड़ों जन्मों तक? तो ये कौन सी बुद्धिमानी का काम हुआ? ये तो अविद्या का काम है, विद्या का काम नहीं। शास्त्रों में दो ही वस्तु कही है, विद्या जो भगवान से मिलाती है, अविद्या जो संसार में फंसाती है। तो अविद्या में जीना चाहते हो तो हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में जाओगे। मनुष्यों को जन्म मिले नहीं मिले, गधे घोड़ों पशु पक्षियों के जरूर मिलेंगे, कीट पतंगों के जरूर मिलेंगे, कुत्ते बिल्लियों के जरूर मिल जाएंगे। मनुष्यों के तो तभी मिलेंगे जब मनुष्य कर्म करेंगे मनुष्य बनने के, वरना कैसे मिलेंगे? आज मानव दानव की तरह जमीन पर छा गया है, एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर है, मिलियंस बिलियंस को फूंक देना चाहते हैं, सभी एटम बना बना के बैठ गए हैं, ये धरती को आग लगा देना चाहते हैं, टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, खंड खंड कर देना चाहते हैं। हर कर्म मनुष्य कर रहा है, जानवरों को चीर फाड़ करके खा रहे हैं, तरह तरह की शराबें नशे पी रहे हैं, अहंकार में भरे हुए हैं, मैं और मेरा, मैं बच जाऊं सब मर जाए। देखो कहीं इंडोनेशिया में 1 लाख आदमी मरे हो, समाचार सुनाओ किसी को कि 1 लाख मर गए इंडोनेशिया में। अरे स्वामी जी हमको क्या लेना है, हमारे अपना ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती, मरने तो क्या करें, हम जो करेंगे भरेंगे, कोई दुख नहीं होता एक परसेंट भी। लाखों बच्चे मर जाते हैं, बह जाते हैं पानी में, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं हजारों आदमी, किसी को दुख नहीं होता, सुन लेता है, क्या करें, चलता रहता है। किसी को मैंने कल बोला कि पेपर पढ़ता था खबरनामा कि एक बाप ने अपने 3 बच्चों को कुल्हाड़ी से काट के टुकड़े कर दिए, मार दिया, बोलता ये होता ही रहता है क्या। लेकिन जिन बच्चों को काटा उनकी तो दशा देखो, उनका क्या दोष था, वो निर्दोष बच्चों को काट डाला कुल्हाड़ी से, तोड़ दिए सर उनके, उन निर्दोष पशुओं को जो समाज के, समाज जिनके ऊपर निर्भर है, उनको ऐसे छान छान के काट काट के खा रहा है समाज, गाय हो, बछड़े हो, भैंसे हो, हाथी हो, क्रोकोडाइल हो, तमाम 84 लाख योनियों को मनुष्य खाने पर लगा हुआ है, मनुष्य को मनुष्य भी खा रहा है। ये दानव के काम है या मानव के? ये प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने के लिए तुले हुए हैं, अपनी विनाश के लिए जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। तो ये अविद्या है जो आपको हर तरह से क्लेशों में ले जाएगी, परेशानियों में ले जाएगी, बीमारियों में ले जाएगी। यही अविद्या है जो आपको काम क्रोध मद मोह मत्सर से घेरेगी, लालच से घेरेगी, जलन ज्वाला बनके हृदय से निकलेगी, और वो जलन से, वो द्वेष से, उस क्रोध से ज्वालामुखी फटेगी। तो लोग मरेंगे नहीं तो क्या होगा? लोग मरेंगे, लोगों का चरित्र मरेगा, लोगों का व्यवहार मरेगा, लोगों के हृदय में प्रेम मरेगा, नफरत घर में घुसेगी, प्रेम बाहर भागेगा।
ये अविद्या है। विद्या तो वही है कि उस परमेश्वर की शरण में पूरा विश्व हो, उस परमेश्वर की प्रकृति को जीने का, जिसे सुखद आनंद मिले, ऐसा ज्ञान हो, ऐसी विद्या हो। इस जीवन को बड़ी सुंदरता से जिया जा सकता है एकमात्र भगवान के साथ रह करके, भगवान को इग्नोर करके नहीं, भगवान के आदेश इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जीवन जीने से। भगवान ने मूर्खों को समझाने, बुद्धुओं को समझाने, अंधे लोगों को समझाने इतनी विस्तार से गीता को कहा है, इतनी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन मूर्खों का भी कल्याण हो, इन अंधों का भी आंखें खुले, इन अज्ञानियों को ज्ञान मिले, ये भी आखिर मेरी संतान है, ये भी जागे, इनकी भी मूर्छा खुले, ये और मूर्छित न हो, जागे, ये ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन तो भगवान के अंतरंग मित्र हैं, अर्जुन को गीता का ज्ञान, अर्जुन गीता है पूरी, अर्जुन को कोई पढ़ ले तो समझ लो कि गीता पढ़ ली उसने। लेकिन अर्जुन को तो ये पात्र निभाना पड़ा, मोह का, मोहग्रस्तता का, आसक्ति का, युद्ध न करने का, वरना ये गीता कैसे निकले। धर्म की स्थापना के लिए तो गीता प्रकट हुई है, इस गीता से धर्म चला आया है, चल रहा है, चलता रहेगा। जब तक गीता रहेगी, गीता का ज्ञान रहेगा, गीता का प्रेम ही बचेगा। प्रेम ही सबसे ऊंची कला है, प्रेम से ही पत्थर पिघलते हैं। बैजू बावरा ने अकबर सम्राट के दरबार में पत्थर के टुकड़े को, मार्बल के पत्थर के टुकड़े को पानी बना दिया था अपनी संगीत से। मेघ मल्लहार से जब तानसेन ने दीपक राग से दीपक जला दिए थे तो दूसरा नंबर कंपटीशन में बैजू बावरा का था। बैजू बावरा ने मेघ मल्लार से पानी कर दिया उस पत्थर को, बारिश होने लगी, पत्थर पानी बन के बहने लगा पात्र में से, बर्तन में से। ये क्या था? संगीत प्रेमियों का प्रेम उस संगीत से, इस सृष्टि के साथ लयबद्धता। आप यदि सृष्टि के साथ, ये प्रकृति के साथ लयबद्धता में होंगे तो आपके लिए कोई भी वस्तु नामुमकिन नहीं होगी, सभी वस्तु मिल जाएगी, जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। प्रभु का प्रेम ही नहीं, प्रभु चाहोगे तो प्रभु तक मिल जाएगा। ये योग लयबद्धता सिखाता है, ये भक्ति उस प्रभु से लयबद्ध होना, उससे एक ट्यून रजा, उनकी रजा में जीना सिखाती है। ये चैव सात्विक भावा राजसास राजसास च तामसास च मत्त है रीति तान बुद्धि न तो अहम न ते सुतेमयी। भगवान कहते हैं कि तीनों गुण मत्त है रीति तान बुद्धि, ये तीनों गुण भी मेरे अंदर ही है, मेरे में ही समाहित है, मेरे से बाहर नहीं।
तो तीनों गुणों में तो तमाम टोटलिटी बंधी हुई है, हम सब बंधे हुए हैं, तो हम प्रभु से बाहर कैसे हो सकते हैं? हम भगवान से बाहर नहीं है, हम उनकी गोदी में हैं। सिर्फ पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम कहां हैं। हम प्रत्येक जीव उस परमात्मा की गोदी में है, वो प्रत्येक जीव को पाल रहा है, भोजन दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, रहने के स्थान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, बारिश कर रहा है। 12 डिग्री में जीवन है हमारा, 110 डिग्री पे आदमी मर जाता है, 98 डिग्री से नीचे हो तो भी आदमी को मृत्यु घटित हो जाती हो सकती है। 12 डिग्री में वो परमात्मा हमको पाल रहा है, हम उनको पहचान नहीं रहे, हम उनकी गोद को नहीं पहचान रहे। हम उनकी गोद में ही हैं, लेकिन ये पहचान लेना कि मैं तेरी गोद में हूं, ये शरण है। इतना जान लेना कि मैं प्रभु के चरणों में हूं, मैं प्रभु की गोद में हूं, मैं उनसे अलग नहीं हूं, मैं उन्हीं में हूं। ये तो प्रभु कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो सर्वत्र मुझे देखता है और सबको टोटलिटी को मेरे अंदर देखता है, उसकी नजरों से मैं कभी ओझिल नहीं होता, और वो भी कभी मेरी आंखों से ओझिल नहीं होता। कैसे होगा? जो सर्वत्र उस प्रभु को जान गया है, पहचान गया है, देखता है, वो कैसे, उसकी नजरों से कैसे प्रभु ओझिल होंगे, अदृश्य होंगे? बताइए। प्रहलाद महाराज खंभे में भी पत्थर में भी प्रभु को ही देख रहे हैं, तो कैसे प्रभु प्रहलाद महाराज की नजरों से ओझल होंगे? हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। प्रहलाद महाराज भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, भगवान के निजी पार्षद हैं, धवल वस्त्रों में, सफेद बर्रान दाढ़ी। आज प्रहलाद महाराज भगवान के साथ हैं। कभी वो बालक थे, छोटी अवस्था में भगवान का कीर्तन करते थे, भगवान का स्मरण करते थे, पढ़ना लिखना असुर विद्या कोई उन्होंने ग्रहण नहीं करी। बोले असुर विद्या क्या करूं इसका, मुझे दैवी विद्या चाहिए, जिससे देवता मिलता हो, जिससे भगवान मिलता हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सनातन मंत्र कीर्तन करते थे, भगवान के गुण गाते थे, अपने संगे साथियों को भी उस भगवान के गुणानुवाद गुणगान में लगाते थे, नाचते थे, गाते थे, भगवान का प्रसाद पाते थे और सब कार्य करते थे। हिरण्यकश्यप के खत्म होने के बाद प्रहलाद महाराज ने शासन किया असुर कुल के ऊपर और भगवान के धाम चले गए। बलि महाराज उनके पोते हैं, प्रहलाद महाराज के ही वंश में, जिन्होंने तीन पग वामन देव भगवान को त्रिलोकी का राज दे दिया था। बलि महाराज दान वीरता में सर्वश्रेष्ठ है, सितारे इस ब्रह्मांड के बलि महाराज, वो प्रहलाद महाराज के पोते हैं। भगवान की शरण में जाने में सुख है सभी को, अमेरिका को, अमेरिका हो या इंडिया हो, जापान हो या रसिया हो, मंगोलिया हो या इंडोनेशिया हो, सारे विश्व को उस एक प्रभु की शरण में जाना चाहिए। वो एक ही है जो सबका पिता है,
सभी उसका विस्तारा है, सभी सारा विस्तार उसी का फैला हुआ है। उनको पहचानना, अपने आप को पहचानना है। यह कहिए कि अपने आप को पहचान लो तो उनको पहचान जाओगे। आत्म साक्षात्कार करने वाला भगवत साक्षात्कार भी कर लेता है, लेकिन जो अंधकार में ही पड़ा है, जो अंधकूप में ही पड़ा है, वहीं सड़ा है, जिसकी बुद्धि सड़ गई है, जो भोगों में गड़ गई है, वो भगवान को मना करता है। उसके अंदर आसुरी बुद्धि होती है, असुर बुद्धि होती है, पापों का वातावरण, पापों का आवरण छाया हुआ होता है, कालिख पुती हुई होती है, उसके चारों तरफ बुद्धि पर काली पट्टी है, आंखों पर काली पट्टी है, वो परमात्मा को इग्नोर ही करेगा, मना करेगा कि कौन भगवान, मैं ही भगवान हूं। यही कहा था ना हिरण्यकश्यप ने कि कौन है भगवान, कौन है कृष्ण, कौन राम, मैं भगवान हूं। मैं कंस भी यही कहता था कि मैं भगवान हूं। एक दिन सो रहा था कंस, भगवान उसके सपने में आ गए, प्रकट हो गए, खड़ा हो गया घबरा करके, तो सामने देखा तो कृष्ण जी खड़े थे। ये कौन है तू? बोलो मैं कृष्ण, देवकी का आठवां पुत्र हूं कृष्ण, कंस, देवकी का आठवां पुत्र, हमारा काल, अभी बताता हूं तुझे। तलवार उठाई मारने की कोशिश की, भगवान कभी मरते हैं, आखिर भगवान के भय से भयभीत होकर के कंस के सात दरवाजे थे महलों के, सातों दरवाजों की तरफ भागने लगा सुरक्षा के लिए, प्रत्येक द्वारपाल को दरवाजा बंद करो, भागे आगे भागता है, फिर दूसरा दरवाजा, दरवाजा बंद करो, तीसरा, चौथा, सातवां दरवाजा, सातों दरवाजे बंद करके अंदर हो गया। लेकिन भगवान से कहां बचोगे, मारे कृष्णा राखे को, राखे कृष्णा मारे को, कल भगवान प्रकट हो गए कृष्ण वहीं पर जहां कंस था कि कंस मुझसे भागकर कहां जाओगे, मैं देवकी का आठवां पुत्र हूं, तेरा काल, मेरा काल, मैं भगवान हूं, मैं आखिर। आपको मालूम है ये बड़ी सुंदर होमी वाड़िया जी ने एक फिल्म बनाई, पुराने डायरेक्टर प्रोड्यूसर है होमी वाड़िया जी, वो फिल्म आज भी डीवीडी पे मिलती है बाजार में, न्यूयॉर्क में मिलती है, और भी जगह मिलती होगी, चिकागो, लॉस एंजलस इत्यादि। मेरी प्रार्थना है आप उस डीवीडी को जरूर देखना, भगवान की सुंदर लीलाओं का इतनी सुंदर मूवी है, श्री कृष्ण लीला होमी वाड़िया कृत। तो ये आसुरी बुद्धि है कि मैं भगवान हूं, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं कमाता हूं, मैं बच्चे पैदा करता हूं। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान की इच्छा से पत्ता हिलता है, आप नहीं हिला सकते। आज वैज्ञानिक काफी तरक्की कर चुके हैं, जो शायद हजारों वर्षों में नहीं हुई कभी ऐसी साइंस, इतना विज्ञान तरक्कीशील नहीं था, 5-10 हजार पहले तो नहीं था, उससे पहले रहा होगा जरूर, कि विज्ञान चरम सीमा पर पहुंच के खत्म भी हो जाता है। लेकिन आज का विज्ञान भी हालांकि बच्चा है अभी, लेकिन बहुत कुछ तरक्की कर चुका है। लेकिन निश्चित रूप से एक पत्ता भी बना नहीं पाया है कि किसी वैज्ञानिक ने एक पत्ता प्रोड्यूस कर दिया हो, एक फूल प्रोड्यूस कर दिया हो, नहीं कर सकता। या कोई एक बच्चा बना दिया हो, नहीं बना सकता। ट्यूब नली अप्राकृतिक ढंग से वही मां के
डिम बबल डिम को और पिता के शुक्र को मिला के और मां के गर्भाशय जैसा उसमें वातावरण पैदा करके कोई बच्चा खड़ा कर दिया, ये भी एक तरक्की है, लेकिन बिना भगवान की सैंक्शन के ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि बुद्धि बुद्धि मतामस्मी, जो वैज्ञानिकों के अंदर बुद्धि है, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही तो हूं। मैं चाहूं तो हो सकता है ट्यूब नली में भी, मैं चाहूं तो हथेली पे भी बच्चा पनप सकता है, बड़ा हो सकता है, मैं नहीं चाहूं तो नहीं हो सकता। बुद्धि बुद्धि मतामस्मी तेजस तेजस्वी नाम अहम, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास चये मत्तः एवेति तान विद्धि न तो अहम तेसु तेमई। लेकिन हे अर्जुन, ये अनंत ब्रह्मांड और ये तीनों गुण ये मेरे अंदर नहीं है और मैं भी इनके अंदर नहीं हूं। भगवान तीनों गुणों से परे हैं, बियॉन्ड थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर ही इज। वो तीनों गुणों में, जैसे संसारिक लोग बंधन में है तीनों गुणों के, देवता लोग बंधे हुए हैं, यहां तक भी शंकर भगवान भी तमोगुण में बंधे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी रजोगुण में बंधे हुए हैं। तमोगुण से रजोगुण से भ्रमित होते हैं ये। तमोगुण में अगर शिव नहीं हो तो कौन प्रलय करेगा इस ब्रह्मांड की? तमोगुण में ही क्रोध आता है, ऐसे नहीं आ सकते। सत्वगुण में देवता है, देवता सत्वगुण से बंधे हुए हैं, विष्णु भगवान सत्वगुण से बंधे हुए हैं, सत्वगुण की मूर्ति है, सत्वगुण श्रेष्ठ है इन तीनों गुणों में। भगवान कहती है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी मैं ही हूं, मत्त एवेति तान विद्धि, इनको ही मेरे अंदर ही जान, फिर भी मैं इनमें नहीं हूं और ये भी मेरे में नहीं है। ये तीनों गुण, ये अनंत ब्रह्मांड मेरे अंदर भी है और मेरे में नहीं भी है, दोनों बात बोल दिया उन्होंने। उन्होंने बोल दिया कि मैं गोप वेश में गोविंद के रूप में हूं, गोपाल के रूप में हूं, मैं ये ब्रह्मांड के रूप में नहीं हूं, ये ब्रह्मांड मैं नहीं हूं, ये मेरा दूसरा स्वरूप है, तृतीय स्वरूप है, ये मेरा विस्तार है, एक्सपेंशन से मैं स्वयं नहीं हूं, ये ब्रह्म ज्योति भी मैं नहीं हूं, मेरा मेरे धाम से निकलने वाला प्रकाश है, मेरा धाम भी मैं नहीं हूं, मैं साक्षात साकार स्वरूप से गोप वेश में मोर मुकुट धारण करता हो करके बंसी बजाते हुए गाय चराते हुए वही नंद बाबा और देव की नंदन का पुत्र जैसे बन के दर्शन दिए थे, ठीक उसी रूप में मैं रहता हूं। वो मेरा ओरिजिनल रूप है, वो मेरा प्रथम स्वरूप है, दो भुजाओं वाला मेरा विग्रह सच्चिदानंद विग्रह है। अवजानंती माम मूढ़ा, मूर्ख लोग मूर्छित लोग मुझे नहीं जान पाते। रहस्य को जानिए, ये शास्त्र कोई हिंदुओं का नहीं है या कोई भारतवर्ष के लोगों का नहीं है, ये शास्त्र सनातन है, तमाम ब्रह्मांडों के लिए है। तमाम ब्रह्मा ये गीता के ज्ञान को पढ़ते हैं, गीता के अनुसार चलते हैं। भगवान की तमाम सृष्टि गीता के आधार पर है, गीता ज्ञान फाउंडेशन है ये दोनों, जहां का भौतिक का और आध्यात्मिक का। यह कहिए कि इस ज्ञान को प्राप्त करके ये दोनों जहां को जाना जा सकता है, वैकुंठ को भी और भौतिक को भी, और भगवान को भी, परमात्मा को भी और आत्मा को भी। चल को भी, अचल को भी, चराचर को भी, यानी गीता से बाहर कोई ज्ञान ऐसा है नहीं।
भगवान ने तो कहा है कि इसको जान के कोई यज ज्ञातवान है पुनर्मोहम एवं ज्ञाशिषी पांडवा, हे पांडव इस ज्ञान को जानने के बाद में कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाएगा, यज ज्ञातवान है पुनर्मोहम, फिर तो भ्रमित नहीं होगा। यज ज्ञातवान है पुनर्मोहम एवं ज्ञाशिषी पांडवा, इस ज्ञान को पा करके तू कभी भ्रमित नहीं होगा। ये ज्ञान तुझे सब प्रकार का स्पष्टीकरण देगा। गीता ज्ञान महान है, गीता अमृत रस है, इसका पान करने वाला भाग्यशाली है, भक्त है, प्रेमी है भगवान का, परमेश्वर का, श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण साकार स्वरूप से परम पिता हैं, सबके परमेश्वर हैं, निराकार उनका विस्तारा है। निराकार स्वरूप से ब्रह्म ज्योति है, साकार स्वरूप से स्वयं साक्षात परम विष्णु भगवान श्री कृष्ण हैं, महाविष्णु हैं, उनके विस्तार है। गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनके ही विस्तार है। क्षीरोदक्षाय विष्णु है, उनके ही विस्तार है। अनंत ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके ही पार्टली इनकार्नेशंस हैं, अंश अवतार हैं। अनंत में अनंत अवतरित होते हैं और उनके ही अंश अवतार प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण जड़ है, ओरिजिनल रूट ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेज, ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेज, वो सब स्रोतों के स्रोत हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये तीनों गुणों के कारण क्या, सृष्टि के कारण क्या, आपके हमारे कारण क्या, तमाम के चांद तारों के कारण क्या, ब्रह्मांडों के कारण, वो सब के कारण वो ही है, वो देव की नंदन है। श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः। बल्लभाचार्य जी ये शरण मांगते हैं सारी जिंदगी, हे श्री कृष्ण मुझे अपनी शरण दो, अपनी शरण में रखो, मैं आपको कभी भूलू नहीं। श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरण ममः। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, नामदेव महाराज धन धन मेघा रामावली जय ओडे कृष्ण कामली, धन धन श्री वृंदावन जहां खेले श्री नारायण। नामदेव महाराज संत तुकाराम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मदे आदिशंकर। भगवान को स्वीकार करना सरल है यदि हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं हो, झूठा अहंकार, या किसी ने हमें हिप्नोटाइज नहीं किया हो, सम्मोहित नहीं किया हो किसी आडंबरी गुरु ने कि नहीं मैं तेरा गुरु मैं ही भगवान, ऐसे बहुत आडंबरी है। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि कल की अवतार कलयुग के तीसरे चरण में होगा, अभी पहले चरण के 5000 वर्ष भी नहीं निकले, 5300 वर्ष निकले हैं। कलयुग की आयु है 432,000।